क्या बहू काली लेगो गोरी? कैसी लेगा बता? काली या गोरी? काली। अब भैया बहुत बात हो जाएगा दुकान में, कहूँ मिल रही होगा तो बहुत बात हो के सबको बहू चाहिए। बहू अगर कोई पसंद आया तो भैया बहू आ जाओ मेरे घर बनकर, बहू चाहिए। देख लो क्या लेगा केशव, क्या लेगा केशव? अपनी खांसी सही कर ले, नहीं तो बहू को भी खांसी कर देगा तू। खांसी जुकाम हो रहा है ना तुझे, ठीक कर ले पहले। हैं देख खांसी हो रही है ना, बहू को भी खांसी हो जाएगी फिर। हैं 7 दिन बाद मिलेगी है ना, अब तब तब तेरी टेसू की शादी होगी ना जैन जी के साथ। फोन ले लिया है, जा सौंपी दे पापा को जा। क्या हुआ तो रो क्यों रहा? बहू चाहिए, बहू बहू मांग रहा है, रो रो के बहू बहू मांग रहा है। बहू क्या लेगा, क्या क्या लेगा बहू? अरे दैया बहू अभी सही, अरे दैया कहाँ रखेगा फिर, क्या खिलाएगा मुझे बता। अपनी बहू को चीज खिलाएगा फिर? हैं चीज खिलाएगा तो भैया को तो चीज देता नहीं है अपनी। इधर देखो पहले, भैया को तो चीज देता नहीं है तू, बहू को दे देगा चीज? बहू को दे देगा? कैसी लेगा? काली गोरी? भैया काली गोरी बता दे, इसमें काली लेगा। कैसी लेगा? काली लेगा, गोरी नहीं लेगा, अपनी मैचिंग की लेगा। जैसा खुद काला है, ऐसे खुद काला ऐसी खुद बोले। नहीं रो नहीं, गंदी बात होती, रो ना, रो नहीं, मैं दिलवा के लाऊंगा ठीक है। मेले में चलेंगे, मेले में, हाँ मेले में चलेंगे, मेले में फिर दिलवा के लाऊंगा ठीक है। इसे पता ही नहीं है बहू चाहिए बस। अभी लूंगा। मम्मी कौन है तेरी? अभी लेगा, अभी अभी लेगा, अभी लेगा भैया। अब मेला लगेगा तब लेकर आएंगे ठीक है, मेले में से लेकर आएंगे। अभी चाहिए, अभी चाहिए भाई से तो, अभी चाहिए बहू चाहिए, पर अभी चाहिए बताओ, इसे पता ही नहीं है। बहू क्या होती थी पता है? क्या चीज होती? चीज चीज होती है भैया उसके लिए तो। हाँ मैं लेकर आऊँगी ठीक है, चुप हो जा, मैं लेकर आऊँगी ठीक है। रोएगा नहीं तो नहीं लेकर आऊँगी, रोएगा तो फिर बहू यूँ कहेगी केशव तो गंदा है, मैं नहीं जा रही। बहू केशव गंदा है तू है? गंदा है कि अच्छा? पहले बता, पहले बता अच्छा है कि गंदा? कैसा अच्छा है? गंदा 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 बेटा लाओ, अच्छा है? हाँ आज अच्छा है बहू के लिए लेने के लिए, और कल जब पैसे मांग रहा था जब गंदा हो गया था, है जब गंदा हो गया था। तू लेकर आएंगे बहू, लेकर आएंगे ठीक है। हाँ लेकर आएंगे, दे दो सर, दे दे, कोई बात नहीं उसे रहने दे। और यहाँ पर मेरे अचानक पेट में दर्द चालू हो गया था गैस का, और मुझे नकुल ने नींबू पानी बना के दिया था, और अच्छा बना लेता है वो, टेस्टी बनाता। और मैं इनो मतलब कभी कभार पीती, जैसे कि नींबू नहीं है घर में तो इनो पी लेती हूँ, लेकिन इनो से ज़्यादा अच्छा काम करता है नींबू पानी। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है गैस की तो आप नींबू पानी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा है ये। आधा नींबू लिया, थोड़ा सा नमक लिया, बस बन गया। की दावत है फिर भी समोसे खाने, आज की दावत है ना नीचे, फिर भी समोसे खाने? छोले तो बन रहे, छोले खा लियो, बन रहे हैं तो। कहाँ की दावत की बात हो रही है मैं बताती हूँ, अभी रुक जाओ मैं अभी बताऊँगी। काम मेरा सारा हो गया है कंप्लीट पूरा, शाम को खाना बनेगा नहीं, सबको पता है कि दावत है तो खाना कौन बनाएगा भाई। टॉफी है, और आज बर्थडे है, किसका बर्थडे है वो मैं शाम को ही बताऊँगी किसका बर्थडे है। और हमारे घर में किसी ना किसी का बर्थडे आते ही रहता है, मतलब एक आध दो महीने गए हैं, नहीं तो हर महीने किसी ना किसी का बर्थडे है ही है। मतलब साल के 2 से 4 महीने कुछ ऐसे हैं जिसमें बर्थडे नहीं मनते, नहीं तो हर महीने बर्थडे मनता ही है किसी ना किसी का। तो मैंने कहा कि चलो बर्थडे की पार्टी है, वैसे देखा जाए तो बर्थडे की दावत है, तो मैं आपको दिखाऊंगी किसकी बर्थडे की दावत है। सारा काम मेरा हो गया है पूरा काम, और आप सब ने सुबह देखा कि केशव कैसा कर रहा था सुबह सुबह। उस टाइम करीबन ऐसा हो रहा होगा कि 9 से 10 बज रहे होंगे शायद, मैंने टाइम तो देखा नहीं, 9-10 बज रहे थे। तो कैसे रो गया वो भैया, ऐसा जिद पकड़ गया सच में अब। और हाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि कई लोगों के मैसेज आए हैं मेरे, कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे, और कुछ व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, कुछ मेरे इंस्टाग्राम पे भी हैं एक आध दो,
इंस्टाग्राम पे एक आध दो है, व्हाट्सएप पे भी एक आध दो है वैसे देखा जाओ तो। और एक मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी मुझसे यही बोलती है कि अपनी रियल भाषा में बात किया करो। हाँ टेसू देख लिया सबने, कल दिखा दिया मैंने, तो रियल भाषा में बात किया करो। तो कोशिश करूँगी रियल भाषा बात करने की, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, इसीलिए नहीं करती। कोई ये ना कहने लगे कि मतलब कैसी बात कर रही, समझ में भी नहीं आ रही है। तो कोशिश करूँगी ठीक है एक दिन करने की, अगर आपको अच्छी लगती हो तो मुझे बताना। अगर आपको भी पसंद है मेरी रियल भाषा, मतलब वही गाँव जैसी भाषा जो होती है, गाँव वाली भाषा, तो मैं वैसे बात भी कर दूँगी, उसमें मुझे और आसानी है बात करने में। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा बोलकर दिखाती हूँ, आज हमारी दावत आई है नीचे आज हमारी दावत आई है नीचे से, और जन्मदिन मनाओ जा रहा हो भैया नीचे, मनना हुआ नीचे जन्मदिन। मतलब बच्चे कितने शोर कर रहे हैं भाई, कितने शोर मचा रहे हैं बच्चे। तो ये हमारी रियल भाषा है, अगर आप सबको अगर पसंद आती हो तो मुझे बताना कि मैं उसमें भी वीडियो बना सकती हूँ डेली। नहीं आती है तो मैं ये वाली भी भाषा यूज कर सकती हूँ, मतलब जो शहर की भाषा होती है और गांव की मैंने आपको बता दी है, बता देना ठीक है कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आपको कौन सी भाषा पसंद है, गांव वाली रियल भाषा। वैसे रियल तो दोनों है, मैं दोनों तरफ से बात करती हूँ, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर आने के बाद ही ऐसा बात करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बैठ जाती हूँ पहले ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कैसे भी बात कर लेती हूँ। जैसे मतलब घर में तो मैं ऐसी करती थी, कोई आ जाए तो ठीक ठाक बोलना पड़ता, कहीं जाते हैं तो ठीक ठाक बोलना पड़ता, क्योंकि हर कोई ये मतलब कोई समझता है कि पता नहीं कैसी क्या भाषा, इसीलिए दोनों तरफ से बोलती मैं दोनों तरीके से। हमारी तो भैया ऐसी ही भाषा है, अगर आपको पसंद है तो हमें बता दी भाई। और वैसे तूतड़ा की कोई भाषा नहीं है, अच्छे हैं, जैसे कहते हैं ना अपनापन होता वही समझ सकता है भाई, ये तो सच बताऊँ तो। तैयार वैयार मुझे कुछ होना नहीं है, क्योंकि घर में ही तो जाना है, कहीं नहीं जाना। और मैंने अभी अभी कपड़े वपड़े तय करके सारा काम हो गया है बस, तो चलिए फिर मैं भी जाती हूँ नीचे, ज़रा काम वाम करवाना है मुझे। और सब लोग पहुँच गए हैं मेरे, ज़रा कपड़े वगैरह रखे थे तय करने के लिए, तो मैंने कहा वो करके जाऊँगी मैं, फिर हो नहीं पाता बाद में। अगर लग जाओ काम में तो फिर अपना काम रह ही जाता है, फिर रह मतलब हो नहीं पाएगा, फिर वो कल होता। तो मैंने कहा इसे पहले समेट देती हूँ, नहीं तो पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े हो जाएंगे। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, बच्चे खेल रहे हैं ऊपर, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो चलिए फिर मैं आपको शाम को मिलते हैं, जैसे कि बर्थडे पे या फिर खाने पे, देखते हैं कब मिलवा पाती हूँ मैं आपको। और खाना भी दिखाऊंगी क्या क्या बना है, कोशिश करूँगी दिखाने की, अगर दिखा पाई तो, नहीं तो कोई बात नहीं ठीक है। तो चलिए खाने में है छोले की सब्ज़ी है, गोभी आलू की सब्ज़ी है, और पूड़ी है, और रायता है, और पानी है। तो चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए। और ये खाना है, तो कौन कौन आया, ये सामने वाली दीदी की लड़की है, और ये रजनी बैठी है यहाँ पर, और इधर आरती दीदी है, और सब लोग बच्चे जो है वो परस रहे हैं हम सबको। पिंकी दीदी आ रही हैं, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, और बच्चे ही परस रहे, बच्चों ने सबसे पहले खा लिया था, अब हमारी बारी है। तो केक कट रहा है यहाँ पर, अब मैं बताती हूँ, प्रतीक का बर्थडे है ये, प्रतीक साधना का बेटा है, सबसे छोटी वाली देवरानी है उनका बेटा है ये बैठी है यहाँ पर, इन्हीं का बेटा है ये। तो केक काटा जा रहा है यहाँ पर, और अभी टाइम 8:30 बज रहे हैं, और जो हमने खाना खाया था उस टाइम 6 बज रहे थे। बस बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं किसी का भी बर्थडे हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और केक काटा जा रहा है, अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। तो आप सब भी आ जाना बर्थडे में। और बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं, ये प्रतीक कुछ ज़्यादा ज़िद्दी है, इसको लग रहा था कि मुझे दे दो चाकू, मुझे दे दो, मैं बिगाड़ दूँ पूरा केक। बच्चों को लगता है ना कि पूरा केक इधर उधर कर दो, तो सारे बच्चे ऐसे ही होते, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं, और इधर इधर सब लगे हुए हैं। तो चलिए वीडियो कर देती हूँ मैं एंड, फिर मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर ये दीदी खड़ी हैं बलून फोड़ने के लिए।